हिमाचल सहित पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पर्यटन नगरी मनाली में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मनाली सहित इसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने करवट ली है और रोहतांग दर्रे सहित आसपास की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे पूरी घाटी ठंड की चपेट में आ गई है। प्रदेश की ऊपरी चोटियों पर लगातार हिमपात जारी है। रोहतांग दर्रे की बात करें तो यहां करीब 1 फीट बर्फबारी हो चुकी है। इसके अलावा मनाली के आसपास के क्षेत्रों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम के अचानक बदले इस मिजाज से पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। वहीं प्रशासन ने मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए रोहतांग दर्रे की तरफ जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी है और किसी भी वाहन को गुलाबा बैरियर से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। वहीं घाटी में हो रही बर्फबारी से पर्यटन कारोबारी खुश हैं। उनका मानना है कि इस बार की बर्फबारी से सर्दियों का पर्यटन सीजन अच्छा रहेगा। ये टूरिज्म की दृष्टि से यदि इसको देखें तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इससे हमारे यहाँ नॉर्थ रीजन में इस वक्त टूरिस्ट आते हैं तो वो बड़े जल्दी पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने की उम्मीद है और इससे दूसरा फायदा बागवानों को भी मिलेगा। इस बार जो सेब वगैरह की फसल है उसमें बीमारियाँ कम लगेगी। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।